वार्तालाप की है, आपका नजरिया, आपकी आवाज। आजमगढ़ जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों व इंटर कॉलेजों में नियुक्त उन शिक्षकों के सृजन को सरकार 30 लाख रुपए की सहायता देगी जिनका निधन चुनाव ड्यूटी के कारण कोरोना वायरस से हुआ। मामले में पीड़ित परिजनों की तरफ से आवेदन मांगे गए थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि जनपद में 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अब तक 76 शिक्षकों, शिक्षण स्तर कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की मौत हो चुकी है। हालांकि 57 की तरफ से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था। इन डाटा को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर चुनाव के संबंध को लेकर तस्दीक के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी पीड़ित परिजनों को अनुमान्य सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मृतक आश्रित को भी नौकरी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ घातक कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी प्रभावित रहा। आजमगढ़ मंडल की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 के बाद से बलिया जनपद के मुख्य चिकित्सक अधिकारी समेत मंडल के 3 जनपदों आजमगढ़, मऊ, बलिया के 37 अधिकारी व कर्मचारी को कोविड व नॉन कोविड के चलते जान से हाथ धोना पड़ा। अपर स्वास्थ्य निदेशक आजमगढ़ मंडल महिबुल्लाह ने बताया कि तीनों जनपदों से डाटा को मंगाकर वेरीफाई कर इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे प्रशासन की तरफ भेजा जा रहा है। इसमें सभी पीड़ित परिजनों को शासन की तरफ से मिलने वाली मदद के अलावा ग्रेच्युटी फंड व अन्य सुविधाएं जल्द से जल्द देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सर, बेसिक शिक्षा विभाग में कोविड और नॉन कोविड की कितनी मौतों का आंकड़ा है और क्या उनके परिवारों को किस तरीके से विभाग सहयोग कर रहा है? जनपद आजमगढ़ में शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब मिलाकर के लगभग 76 की डेथ हुई है, जिसमें शासन के शासनादेश के अनुसार ऐसे जिनकी कोविड नॉन कोविड से डेथ हुई है उनके लिए अनुग्रह राशि देने के लिए 15 जून तक ऑनलाइन अप्लाई करना था। मेरे यहाँ 57 केस ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है और जो निर्वाचन की ड्यूटी में कार्यरत थे उनकी सभी पत्रावलियाँ हमने पंचायती राज अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दी हैं। वो अपना भौतिक सत्यापन जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई उनके। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आजमगढ़ मंडल में जो लोग मृत हुए हैं कोविड के दौरान उनके लिए क्या हो रही है, कितनी संख्या है? आजमगढ़ मंडल में, आजमगढ़ जिले में 18 लोगों की डेथ हुई है और बलिया में 13 लोगों की और मऊ में 6 लोगों की, इसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों मिले हुए हैं। 1 अप्रैल 20 से कुल 37 लोगों की मृत्यु हुई है और इनके पेंशन, ग्रेच्युटी, नकदीकरण, राशिकरण, इन सबका पेमेंट किया जा रहा है और इनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी की जा रही है। जो भी है ज़्यादातर लोगों का पेमेंट हो चुका है और इसकी हर हफ्ते जो है समीक्षा हो रही है और अपडेट हो रहा है। इसके संबंध में बहुत ही सख्त निर्देश आए हैं कि जल्द से जल्द इनका सबका जो भी पेमेंट करना है वो कर दिया जाए, जिसकी डिटेल जो है।